बात ये है कि आपको यहाँ पे ताज़ा दूध मिलेगा, फ्रेश दूध। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना गांव दिखाने वाला हूँ। मैं अभी घर से बाहर ही हूँ। ये गंदम है सारी पीछे लगी हुई है। आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको गंदम गंदम नज़र आएगी। तो मौसम जो है कल से काफ़ी अच्छा है, साफ है, लेकिन सूरज ऊपर है। अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तो दिखाते हैं आपको। अभी एक भाई साहब जो हैं सब अपने जानवर सारे लेके वापस आ रहे हैं। बुराई खड़े हो तो यार, गांव की ख़ास बात आपको पता है क्या है? हो सकता है आपको ना पता हो, आप शहर में रहते हो। गांव की ख़ास बात ये है कि आपको यहां पे ताज़ा दूध मिलेगा, फ्रेश दूध और फ्रेश मक्खन, फ्रेश लस्सी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में क्या क्या होता है। यार हमारे गांव में सबसे जो ज़्यादा है वो चावल होता है, गंदम होती है और चना होता है। ये जो तीन चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा होता है। और आजकल जो सीज़न है वो है गंदम और चने का, जो कि अभी लगा दिए गए हैं। यहाँ पे गन्ना भी ज़्यादा होता है, माल्टा भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि गन्ना और माल्टा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर क्या कुछ लगा हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सारे जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने गाजर लगाई हुई है। चेक करें आप, गाजर चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गाजर हैं और तैयार हैं। ये सारी जो है गाजर अभी तैयार है। ऐसे ऐसे इन गाजरों को निकालेंगे और फिर बाहर ये सेल करेंगे। यहाँ पे सारे घूंगल लगे हुए हैं इस साइड पे। और इस जगह जो ये जगह है यहाँ पे मूली लगाई गई है। चेक करें आप, ज़मीन से बाहर आई हुई है। और ये जो चीज़ है ये है मेथी। ये साग के अंदर डाली जाती है। हो सकता है आपको ना पता हो, गांव में रहते हैं उनको पता होगा। ये सारी मेथी है। और यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है। इस जगह पे लहसुन है सारा, ये जो आप देख रहे हैं। और ये गाँव का घर है जो आप देख रहे हैं। और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको गंदम ही नज़र आएगी। मैं मना रहा था तो मेरी नज़र इन पे पड़ी। ट्रालियां आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जल्दी के से ये लोड करते हैं। क्या वहाँ पे सीन है? वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था कि मैं बात नहीं कर सकता था, कि वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्टर आपने देखे होंगे काफ़ी खड़े थे और लोडिंग का वो काम कर रहे थे। और यहीं से लोड करते हैं बाहर जाके, वो शहर में या गांव में किसी को भी चाहिए होते हैं तो वहाँ पे वो मिट्टी जो है पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो इसलिए मैंने बात नहीं की। तो अभी मैं वहाँ से दूर आ गया हूँ। पीछे अगर आप देखें वो दूर दूर तक हैं अभी, तो मैं अभी जा रहा हूँ। यार ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है ट्वेल, जिससे ये गंदम को पानी देते हैं।
और दो किस्म के ट्वेल होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्वेल जो है ये ट्रैक्टर के साथ चलेगा, और दूसरा जो होता है वो जो उसका पीटर लगा होता है तेल लेते हैं उसके साथ वो स्टार्ट होता है। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो, ये जो आप देख रहे हैं सरसों है और इसी का तेल बनाया जाता है जो आप अपने बालों पे लगाते हैं। ये सरसों के फूल हैं, ये देख ये सरसों के फूल हैं, और बाद में ये जब तैयार होती है तो इसका तेल बनाते हैं। चीज़ जो है वो रह गई थी हमारे गांव का ग्राउंड, जो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूं, जहां पे हम पहले गेम करते थे। अभी हम गेम यहां पे नहीं करते और यहां पे अभी छोटे छोटे बच्चे गेम करते हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं यहां पे है, चेक करें। और ये है जी हमारे गांव का छोटा सा ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, अभी गेम यहाँ पर हो रही है, बच्चे वगैरह गेम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें शौक़ जिस चीज़ का है वो ना दिखाएं तो क्या दिखाएंगे आपको।